Hello friends, so let us continue with the capital budgeting. Capital budgeting. Now before we start with the capital budgeting, very important thing that friends, all the notes, everything, all the questions, all the notes of all the chapters of cost accounting as per old syllabus, new syllabus, for all the attempts onwards May 2019. राइट मे 2019 के बाद जितनी भी अटैम्प्ट हैं उन सब के लिए ये कोर्स यूजफुल रहेगा. कॉस्ट अकाउंटिंग का सारा कुछ अवेलेबल है वेबसाइट पर. प्लीज़ गो फॉर इट. दिस इज़ गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल. दीज आर द स्मॉल थिंग्स, द एफर्ट्स दैट वी हैव ट्राइड टू पुट इन टू मेक ईजी फॉर यू पीपल अ फ्यू थिंग्स, राइट? सो आई थिंक यू मस्ट गो फॉर दीज थिंग्स. दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. From the examination point of view, from your preparation point of view, these things are quite important. Okay. Now, let us continue with capital budgeting. In the capital budgeting, what we have been discussing about, we have been discussing about the technique, that is the net present value, and we are going to finish it off this in this lecture, right? There is a small concept that we need to discuss in this one, and that we are finished with the net present value. Okay, NPV technique, as we all call it. Now, how we calculate NPV, you all know, NPV is the difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows. So that is, it is a difference between the cash inflows and the cash outflows, one thing. Now, in the cash inflows and the outflows, we have to take the present values that we are trying to identify, that in the today's time, whether we are going to gain from the this project or not. कि अगर आज की डेट में हम उसको देखें कि आज की डेट में हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट? सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट वेदर वी आर अर्निंग सम बेनिफिट आउट ऑफ इट और नॉट. क्लियर? नाउ हाउ यू कैलकुलेट दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड हाउ यू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, दैट यू ऑल नो. प्लीज, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे वो हमेशा पॉइंट्स दिमाग में रखना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रिलेटेड टू टैक्सेशन, रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, रिलेटेड टू सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द फॉर्मेट्स रिलेटेड टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में बिठा लो. अगर वो दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे अगर आप लोग उसका उसके पीछे लॉजिक समझने की कोशिश करोगे, उसके पीछे उसका कि ये पॉइंट ऐसा क्यों है, अगर वो आपको समझ में आ गया, ठीक है. अगर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ राइट टू मी एट माई ईमेल आईडी, ठीक है. आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल होगा तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. लेकिन हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करो व्हाई. अगर आपने अपने आप को क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया ना कि ऐसा क्यों है, तो समझ लो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है जी. तो एनपीवी में क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. क्लियर? कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लोग देख चुके हैं. लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी की थी, ठीक है. मैंने एक प्रॉब्लम शायद होमवर्क के लिए भी दी थी आप लोगों को. आई होप कि वो प्रॉब्लम आप लोगों से सॉल्व हो गई होगी, ठीक है. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट पे हमें टाइम नहीं लगेगा. बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है सर? कॉन्सेप्ट की हेडिंग डाल लो पहले. हाउ टू कंपेयर How to compare mutually exclusive? How to compare mutually exclusive projects which are of unequal lives? सर अब क्या चीज़ है ये, ध्यान से समझना, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आप लोगों से, क्योंकि जब भी आईसीएआर क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट करने की हमेशा कोशिश करेगा. तो दिस इज़ वन ट्विस्ट इन द एनपीवी. यहाँ हम बात अभी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू की कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई और मेथड नहीं कर रहे, हम एनपीवी की बात कर रहे हैं. एनपीवी में क्या है, दो प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं. और अभी तक अगर आप लोगों ने देखा हो तो जो दो प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन कर रहे थे वहाँ पर हमारे दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स की लाइफ सेम होती थी. हमने क्वेश्चन किया था एक एक्स वाई जेड मशीन वाला, ठीक है, उसमें भी आपको मैंने होमवर्क दिया था वाई और जेड की कैलकुलेशन करने के लिए. उसमें अगर आप देखोगे उसमें लाइफ सेम थी, चाहे आप मशीन एक्स लो, मशीन वाई लो या मशीन जेड लो, तीनों की एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन वॉज सेम, दैट इज 5 ईयर्स थी शायद, ठीक है. तो उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं. अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, एक स्टूडेंट है जो एक फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट है इलेवेंथ क्लास का. फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट ने 90% मार्क्स स्कोर किए और इलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट ने 85% मार्क्स स्कोर किए एग्ज़ाम में. क्या आप उस फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट की और एक इलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट की प्लस वन क्लास के स्टूडेंट का कंपैरिजन कर सकते हो आपस में कि उसके मार्क्स तो उससे ज़्यादा आए हैं जी, 90% आए हैं तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और प्लस वन वाला तो बेकार है जी, 85% आए हैं. कैन यू कंपेयर अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन द फिफ्थ क्लास एंड अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन प्लस वन क्लास, उस क्या उन दोनों के मार्क्स को आप कंपेरिजन कर सकते हो उनका? नहीं कर सकते सर, ठीक है, क्योंकि जो एक फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट है और एक प्लस वन क्लास का स्टूडेंट है, दोनों की स्टडीज में बहुत फर्क है, दोनों के मेंटल लेवल्स में बहुत फर्क है सर, उनके बीच में कंपेरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी जो एज है, उनकी जो लाइफ है वो सेम नहीं है, ठीक है. इसी तरह से हमारे पास एनपीवी में अब क्या हो रहा है, अभी तक हमने सेम लाइफ के प्रोजेक्ट किए थे, अब वो कहता है कि मेरे पास दो प्रोजेक्ट आए, मशीन एक्स का एक प्रोजेक्ट है, मशीन एक्स बाय करने का और एक मशीन वाई को बाय करने का. वो कहता है जो मशीन एक्स की लाइफ है दिस इज 5 ईयर्स और जो मशीन वाई है इसकी लाइफ है 8 ईयर्स, ठीक है. अब मैं एनपीवी तो निकाल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका भी 5 साल का एनपीवी निकाल लूंगा, इसका भी मैं 5 साल का एनपीवी निकाल लूंगा, 8 साल का एनपीवी निकाल लूंगा, लेकिन क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं? जो इस इन मशीन से मुझे बेनिफिट होना है, क्या मैं इन बेनिफिट्स को कंपेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता सर, क्यों? क्योंकि मशीन वाई ने मुझे 3 साल के लिए ज्यादा बेनिफिट देने हैं. फिर तो अगर मैं इनका डायरेक्ट कंपेरिजन करने लग गया फिर तो मैं कहूंगा मशीन वाई ज्यादा फायदेमंद है जी. ज़्यादा फायदेमंद तो अपने आप ही होगी क्योंकि उसने 3 साल के लिए हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने हैं. सो आई कैन नॉट कंपेयर डायरेक्टली द एनपीवीज ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स हेयर द टू मशीन्स एक्स एंड वाई विच आर ऑफ अनइक्वल लाइफ्स, जिनकी लाइफ जो है एस्टिमेटेड लाइफ जो है उस मशीन की अगर वो इक्वल नहीं है तो मैं डायरेक्टली उसको एनपीवी कैलकुलेट करके मैं उसे कंपेयर नहीं कर सकता. क्लियर है? मैं उसे नहीं कंपेयर कर सकता सर. फिर क्या करेंगे? वो कहता है कि इन केसेस में हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सिंपल सी चीज है. वो कहता है एनपीवी निकाल लो पहले कि 5 साल में मशीन एक्स मुझे क्या बेनिफिट देगी और मशीन वाई मुझे 8 साल में क्या बेनिफिट देगी, ठीक है. इन दोनों का एनपीवी क्या है? एनपीवी बेसिकली इज द नेट बेनिफिट दैट इज अर्नड ओवर द लाइफ. NPV क्या है? नेट बेनिफिट अर्नड ओवर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, यही NPV है. NPV क्या है कि नेट मुझे क्या बेनिफिट हुआ ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है. वो कहता निकाल लिया जी, 5 साल का निकाल लो और 8 साल का निकाल लो कि टोटल 5 साल में कितना बेनिफिट दिया, टोटल 8 साल में कितना बेनिफिट दिया. उसके बाद क्या करो? उसके बाद वो कहता है कि 1 साल का निकालो. दिस इज एनपीवी फॉर 1 ईयर. यहां पर क्या निकालो? एनपीवी फॉर 1 ईयर. वो कहता है अब जो वैल्यू आई 5 साल की कि टोटल 5 साल का बेनिफिट क्या हुआ है, अब उसको 1 साल पर लेके आओ उस वैल्यू को.
अब उसको क्या लेके आओ, अब एक साल पर उसकी वैल्यू निकालो कि एक साल में मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, फिर एक साल के बेनिफिट को कंपेयर करोगे, उससे आपको एक्चुअल रिजल्ट्स मिलेंगे कि एक्चुअल में आपको कौन से प्रोजेक्ट से फायदा हो रहा है। तो सर अगर एनपीवी 5 साल का आ गया तो क्या मैं ये 5 साल निकालने के लिए एनपीवी डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा, और क्या यहाँ पर मैं एनपीवी डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगा? जी नहीं, ऐसा नहीं करना, ये 5 और 8 नहीं लेना। यहाँ पर 5 साल का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो लेंगे, तभी हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू आएगी एक साल की। अगर ये सीधा 5 साल 8 साल ले लिया, ये तो फिर से अनइक्वली हो गया, फिर तो आपने अनइक्वल लाइफ से पे ले। इक्वल पे लाने के लिए हमेशा जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, हम उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपल है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है जी। उससे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग। चलो जी, ए लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स। परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी इज 5 लाख, मशीन एक्स की और मशीन वाई की 8 लाख है। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 5 years and 8 years, अनइक्वल लाइफ्स आ गई। एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज नील, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, टैक्स रेट 30%, एनुअल सेल्स इज 10 लाख रुपीज, द वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स एंड 30% ऑफ सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन इज 1 लाख and 2 लाख, एनुटी फैक्टर फॉर 5 and 8 years एट द रेट ऑफ 10%। अब ये 3.791 और 5.335 क्या दिया हुआ है आपको? सर ये एनुटी फैक्टर दिया हुआ है पूरे 5 साल का एनुटी फैक्टर, ठीक है, टोटल 5 साल का कंबाइन करके भी हमें एनुटी फैक्टर दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब 5 साल बाद की जितनी टोटल वैल्यू है उसको इस एनुटी फैक्टर से हम आज की वैल्यू पे ला सकते हैं। क्लियर? चलो जी, फिर वो पूछता है विच ऑफ द अबव मशीन शुड बी परचेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू। करते हैं अब अनइक्वल लाइफ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ले। सो डेप्रिसिएशन तो क्या ही है, इसमें सिंपल तो है, 5 लाख की वैल्यू है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 5 साल है तो 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन होगी। 8 लाख है सैलवेज वैल्यू, कोई नहीं है, 8 साल है, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है, कोई दिक्कत इसमें? तो क्या इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है डेप्रिसिएशन को अलग से? नहीं सर, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केसेस में 1-1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे। चलो लिख देता हूँ फिर भी, अगर हमने अब स्टेप सोच ही रखे हैं तो फिर हम वैसे ही चलते हैं। एक्स की क्या होगी, 5 लाख माइनस 0 इज द सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 5, दैट इज रुपीज 1 लाख। वाई की क्या होगी, वाई की होगी मेरे पास 8 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8, नॉट 5, रुपीज 1 लाख। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ CFAT, ठीक है। अब क्योंकि अनइक्वल लाइफ्स हैं लेकिन जो इनफ्लोज हैं वो सेम है हर पीरियड के, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अलग अलग पीरियड्स नहीं बनाएंगे, मशीन एक्स मशीन वाई हम डायरेक्टली लेंगे यहां पर। क्लियर? अब मशीन एक्स की सेल कितनी है, क्योंकि हमें एनुअल सेल्स दी है 10 लाख रुपए की, क्या है एनुअल सेल, क्या है, टेन लाख रुपीस की एनुअल सेल है। चलो जी, सेल्स 10 लाख एंड मशीन वाई की भी 10 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है उसने क्या कहा, उसने कहा जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज 40% ऑफ सेल इन दिस केस एंड 30% ऑफ सेल इन दिस केस। तो 40% ऑफ सेल यहां पर होगा
4 लाख, और 30% यहाँ होगा 3 लाख। क्लियर है? लेस डेप्रिसिएशन कितनी है दोनों केस में? 1-1 लाख रुपए। लेस फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन दैट इज 1 लाख एंड 2 लाख। तो ये मेरे पास क्या आया? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। दिस कम्स टू 4 लाख एंड 4 लाख। अब इसमें से क्या कम करोगे? टैक्स कम करोगे। कितना टैक्स है? सर टैक्स रेट है दोनों केस में 30%। टैक्स एट द रेट 30%, 1,20,000 एंड 1,20,000। दिस इज माइनस। क्लियर? सो दिस कम्स टू अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 2,80,000 एंड 2,80,000। अब क्या करेंगे? टैक्स निकाल लिया सर, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें। ऐड बैक डेप्रिसिएशन 1 लाख एंड 1 लाख। कोई डाउट? ठीक है जी। तो अब यहां पर मेरे पास क्या है? ये सी एफ ए टी 3,80,000 एंड 3,80,000। क्या सर इसमें वर्किंग कैपिटल है? कुछ है? और सर इसके अलावा तो कुछ नहीं है। हमें ये ले लिया, यूजफुल लाइफ ले ली, परचेज प्राइस अभी लेनी है हमें, मेथड, टैक्स रेट, एनुअल सेल्स, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट सर ले लिया हमने, वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सी एफ ए टी आ गया 3,80,000 का। ये हमारे पास है 1 साल का, ठीक है। अब अगर हर साल की यही कैलकुलेशन है, 5 साल की यही कैलकुलेशन है, तो सी एफ ए टी ये तो है 1 ईयर का। अब अगर सी एफ ए टी आपको निकालना हो फॉर 5 एंड 8 ईयर्स, तो क्या करोगे? इसको 5 और 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे? इसको 5 और 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे? कोई दिक्कत है? कर दें इसको 3,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 19 लाख। ठीक है जी। उसके बाद अगर 8 से उसको करें, 3,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये आएगा 30,40,000। सर क्या इसकी ज़रूरत थी निकालने की सी एफ ए टी? वैसे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी 5 और 8 साल निकालने की। चलो देख लेते हैं कि कहीं ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तीसरा क्या आएगा मेरे पास? कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ठीक है, अब एनपीवी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मेरे पास रहेंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद आएगा मेरे पास ईयर, देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर मशीन एक्स की अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू, देन मशीन वाई की अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी, कोई डाउट? चलो सबसे पहले क्या है मेरे पास? परचेज प्राइस। परचेज प्राइस होगी 0 पीरियड पे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा 1, और परचेज प्राइस है इसकी है 5 लाख, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? 5 लाख। वाई की क्या अमाउंट है? 8 लाख, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? 8 लाख।
क्या और कोई आउटफ्लो है? नहीं है सर. अब लेंगे हम सी एफ ए टी एक्स का पहले. सी एफ ए टी फॉर 1 to 5 years. 1 to 5 years में कौन से पीरियड में है? ईयर ले सकते हैं 1 to 5. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अब 5 साल का टोटल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया 3.791. 3.791 ये 5 साल का टोटल है. क्लियर? ये 5 साल का क्या है? 5 साल का सर ये टोटल फैक्टर है मेरे पास. तो अब यहां पर वैल्यू क्या लेंगे? अब यहां पर अमाउंट क्या लेंगे? सर अगर ये 5 साल का फैक्टर ले रहे हैं तो क्या हम अमाउंट भी यहां पर ये 19 लाख लेंगे? मैंने इसलिए स्पेसिफिकली ये अमाउंट कैलकुलेट की है सी एफ ए टी की 5 और 8 साल की. क्या हम यहां पर भी हम 19 लाख लेंगे? नहीं सर, यहां पर अमाउंट आप लोगे 3,80,000 की. जब इस 3,80,000 को आप 5 साल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अपने आप प्रेजेंट वैल्यू 5 साल की आ जाएगी. 3 लाख, इस 19 लाख को आप 3.791 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, वो वैल्यू आपकी कहीं के कहीं पहुंच जाएगी. 3 गुना कर रहे हो तो आप 19 लाख का 3 गुना कर रहे हो, ना कि उसको वापस लेके आ रहे हो. समझ रहे हो? हमने किसको क्या करना है? 3,80,000 को लेके उसको 5 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप हमारे पास 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. 3,80,000 अगर 1 साल की वैल्यू है तो 5 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई उसको डायरेक्टली करेंगे तो हमारे पास 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू आएगी. ठीक है? नहीं तो क्या करो, एक एक साल अलग अलग करके करो, फिर इसका कोई रेलिवेंस नहीं रह जाएगा. 3,80,000 पहले साल कितना, दूसरे साल कितना, तीसरे साल कितना, फिर वैसे कर लो. ठीक है? तो हमें ये वैल्यूज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. मैंने इसलिए स्पेसिफिकली ये वैल्यूज कैलकुलेट की थी. ठीक है? तो यहां पर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी है 5 साल की? 14,40,580. तो इसी तरह से वाई की, अब सी एफ ए टी 5 साल का तो है नहीं, अब आएगा सी एफ ए टी 1 to 8 years. 1 to 8 उसकी वैल्यू हमें दी गई है 5.335. ठीक है? 3,80,000. अब 3,80,000 एक साल का है तो इसकी अगर 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 5 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के टोटल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 20,27,300. क्लियर है? तो ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर यहां पर ध्यान रखना है. यहां पर गलती नहीं करनी कि यहां पर टोटल 5 साल की वैल्यू नहीं लेनी. अगर यहां पर टोटल ले लोगे फिर 5 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मतलब है कि 5 साल की वैल्यू का वापस नहीं लेके आ रहे, आप उसको 5 गुना और बढ़ा रहे हो. ठीक है? तो हमने 3,80,000 को 5 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के टोटल से हमने मल्टीप्लाई किया उसको, ताकि हमें 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू मिल सके. क्या है? क्लियर? तो यहां पर गलती नहीं करनी. यही छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर गलती हो सकती है और ये आपको कोई नहीं बताएगा कि यहां पर गलती के चांसेस हैं. सब आपको डायरेक्टली समझा देंगे कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे लिखना है, चलो जी आपको याद रहे ना रहे. लेकिन ये अगर ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आपको ध्यान रखनी है, अगर ये चीजें यहां पर समझ लोगे, ठीक है, तो एग्जाम में आप गलती नहीं करोगे. आपको याद रहेगा कि हाँ सर ने ये चीज पर ध्यान देने के लिए कहा था हमें. ठीक है? जब एनपीवी अनइक्वल लाइफ आएगी आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करेगा कि सी एफ ए टी यहां पर पूरा नहीं लेना, क्योंकि पूरे के तो प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यहां पर अब मेरा एनपीवी क्या आएगा? अब मेरे पास एनपीवी क्या आया? मेरे पास एनपीवी आया यहां पर, ये नेगेटिव फिगर्स हैं, ये नेगेटिव फिगर्स हैं, 9,40,580. और यहां पर एनपीवी आया मेरे पास 12,27,300. ठीक है?
अब ये एनपीवी आया आपके पास 5 साल का और 8 साल का, टोटल 5 साल में 940,580 रुपये का बेनिफिट है, टोटल 8 साल में 12,27,300 रुपये का बेनिफिट है। अब मुझे बताओ क्या इसको कंपैरिजन कर सकते हो इस बेनिफिट का? नहीं सर, क्योंकि उसकी लाइफ वैसे ही 3 साल ज़्यादा थी। अब वो कहता है क्या करो, वो कहता है अब इसको एनुअल फिगर पे लेके आओ, एनुअलाइज्ड एनपीवी निकालो। वो कैसे? वो कहता है एनुटी फैक्टर लो पहले, तो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसको हम एनुटी फैक्टर भी बोलते हैं। एनुटी फैक्टर कितना है टोटल 5 साल के? एनुटी फैक्टर कितना है? 3.791। ठीक है, ये हो गया आपके पास फर्स्ट और ये हो गया आपके पास सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 5.335। अब वो कहता है क्या निकालो, अब आप एनुलाइज्ड एनपीवी निकालो, एनुलाइज्ड एनपीवी। अब वो क्या कहता है कि आपने 5 साल की एनपीवी निकाल ली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। अब वो कहता है उसी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये क्या था? ये 5 साल का टोटल था, ये सम ऑफ 5 ईयर्स एनुटी फैक्टर था 3.791। करके देख लेना, 5 साल का एनपीवी निकाल के 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो निकालो, उसका टोटल करो, ये आएगा 3.791। ठीक है, वो कहता है 5 साल का अगर एनुटी फैक्टर था तो मुझे 1 साल की वैल्यू बताओ। 5 साल के एनुटी फैक्टर के कारण आपकी जो बेनिफिट था वो हुआ 940,000 का, तो अगर 1 साल का निकालना हो, ये कितना था? 5 साल का था, अगर एक निकालना हो तो क्या करोगे आप? इसको डिवाइड कर दोगे 1/2, तो आपके पास 1 साल का बेनिफिट आएगा। कि 1 साल का बेनिफिट क्या है? 2,48,109 एंड 2,30,047। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट एनुलाइज्ड एनपीवी। कि पहले 5 साल से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 साल से डिवाइड क्यों किया? ताकि हमें 1 साल की एनपीवी पता चल सके। पहले 5 साल से मल्टीप्लाई क्यों किया था सीएफएटी को? ताकि 5 साल का एनपीवी पता चल सके और 8 साल का एनपीवी। फिर उसी एन्यूटी फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया, क्यों? उसी एन्यूटी फैक्टर से इसलिए डिवाइड किया ताकि हमें 1 साल का एनपीवी पता चल सके। सर फिर हमने अगर 1 साल का एनपीवी निकालना था तो 5 और 8 से क्यों नहीं डिवाइड किया? अगर 5 और 8 से करते फिर तो अनइक्वल लाइफ्स वाला कॉन्सेप्ट वहीं के वहीं रह जाता। एन्यूटी फैक्टर क्यों लेके आते? एन्यूटी फैक्टर मतलब हम उसकी आज की डेट की वैल्यू में ले आए, ठीक है ना? तो आज की डेट की वैल्यू में हम उसको डिवाइड करके 1 साल पे लेके आएंगे। क्लियर है? सो दिस वाज अ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ये ट्रिकी समझने वाला था, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आईसीएआर ने थोड़ा सा टफ करना है तो आईसीएआर डेफिनेटली ऐसे की चीजें डाल सकता है और ये डाल चुका है ऐसे की क्वेश्चंस, अनइक्वलाइज्ड डाल चुका है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट छोड़ के नहीं जाना कि समझ नहीं आया सर छोड़ देते हैं क्या बात है कोई नहीं, क्योंकि ये जो कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये कॉन्सेप्ट यहीं पर समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे भी काम आएगा, भी IRR वगैरह करेंगे वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा आपका। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर छोड़ के नहीं जाना। क्लियर? अब एक छोटी सी डिस्कशन मुझे डेप्रिसिएशन के ऊपर करनी है। सर डेप्रिसिएशन के ऊपर क्यों करनी है? वो तो हम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी करनी है मुझे। सर ये गलत बात है, अगर कर चुके हो तो फिर दोबारा क्यों करनी है? सर मेरा मन कर रहा है आज कुछ करने का थोड़ा सा डेप्रिसिएशन के ऊपर, बड़ी देर होगी हमने डेप्रिसिएशन नहीं किया। देखो अब जब जितने हमने कॉन्सेप्ट किए, जितने हमने क्वेश्चन किए, उसमें क्या होता था? हमें कॉस्ट ऑफ मशीन दी होती थी, हमें कॉस्ट ऑफ मशीन दी होती थी, ठीक है, हमें सैलवेज वैल्यू दी होती थी, राइट, और हमें लाइफ दी होती थी। क्लियर है? हमें ये सब कुछ दिया होता था। हम इन तीन चीजों से क्या निकाल लेते थे? हम निकाल लेते थे अपनी डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या था जब हम अपनी सीएफएटी कैलकुलेट करते थे? ठीक है, जब सीएफएटी कैलकुलेट करते थे वहां पर हम एक डेप्रिसिएशन
करते थे। अब हम लोग क्या करते हैं CFAT के लिए, हम कहते हैं कि सेल्स सपोज 1 लाख की सेल है, ठीक है जी, माइनस डेप्रिसिएशन, मैं और कोई कॉस्ट नहीं ले रहा, सपोज 10,000, 90,000 आया। मैंने कहा इस 90,000 पे मैंने टैक्स पे किया 10% का, क्लियर, कितना 9,000 रुपये, मेरी नेट अर्निंग्स क्या हुई 81,000 की। फिर मैं इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देता हूँ, कितना 10,000 रुपये, तो ये मेरे पास क्या निकल के आता है CFAT कितना 91,000 का। अब डेप्रिसिएशन का रोल क्या था, इस 10,000 के ऊपर जितना टैक्स बनता था मैंने वो टैक्स को सेव करना था, बस इतना रोल था। इस 10% के ऊपर टैक्स कितना बनता है, 10% टैक्स कितना बनता है 1,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये मुझे ये टैक्स सेव करना था, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया। सपोज आपके पास, सपोज मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहता, मैंने क्या किया, मैंने लिया एक सेल्स 1,00,000 रुपये, मैंने कहा मैं इस सेल्स के ऊपर टैक्स दे दूंगा 10%, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्या दे दूंगा टैक्स, 10% टैक्स दिया तो 10,000 रुपये, तो मेरे पास अर्निंग क्या हुई 90,000 की। ये अब दूसरा मेथड है कि ये मैंने किया CFAT कैलकुलेट। अब मैंने यहां पर डेप्रिसिएशन ना ऐड की ना माइनस की, कर सकता हूं मैं ना, मैंने माइनस की ना प्लस की, मैंने सीधा टैक्स सेल के ऊपर दे दिया 10,000। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर मुझे 1,000 का नुकसान हुआ। मेरा CFAT पहले आ रहा था 91,000, अब मेरा CFAT आ रहा है 90,000, अब 1,000 का नुकसान हुआ। अब 1,000 का नुकसान वो कौन सा था सर, जो आपने इस डेप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स सेविंग की थी 1,000 की, वही तो 1,000 रुपये का यहाँ पे फर्क आ रहा है आपके पास। इसको और इसको कंपेयर करो, जो 1,000 रुपये का फर्क आ रहा है, दैट इज दिस 1,000 टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मैंने कहा क्या करूंगा अब अगर इस फिगर को मुझे 91 पे लेके जाना है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन 1,000, तो मेरा क्या आ गया 91,000 आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर डेप्रिसिएशन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपने इसको माइनस प्लस करके नहीं करना, तो इसका दूसरा मेथड जो है वो करने का, दूसरा मेथड क्या है आपके पास, आप सेल्स वैल्यू लो, ठीक है, आप सेल्स वैल्यू लो 1,00,000 की, इस पूरी के पूरी सेल वैल्यू पर टैक्स दे दो, कितना 10% का 10,000 रुपये, आपके पास फिगर क्या है 90,000 की, ठीक है। अब इसमें ऐड करो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की जितनी अमाउंट है कैसे करोगे, डेप्रिसिएशन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, ठीक है, 1,000 रुपये ऐड कर दिया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 91,000। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे, ठीक है, चाहे आप इस तरह से कर लो, ये दूसरा मेथड है इसको करने का। दोनों में आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, चाहे आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, जितने मर्जी क्वेश्चंस में आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, दोनों मेथड से आपकी वैल्यू बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर CFAT दोनों मेथड से सेम नहीं आ रहा, तो आपकी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गलती है। क्लियर है? सो दिस इज अनदर थिंग कि आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हो दूसरी तरह से। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है कि डेप्रिसिएशन का जो रोल है दैट इज ओनली टू सेव द टैक्स ऑन दैट अमाउंट, जो 10,000 के ऊपर 10% टैक्स बचाना है 1,000 रुपये, सिर्फ वही रोल है इसका, ठीक है। तो उसका रोल वही है, उसी रोल को हमने दूसरे वे से प्रेजेंट किया। अब एक और चीज, जो एनुटी फैक्टर है, एनुटी फैक्टर्स मैंने कहा था जैसे कि हमें दिए होते हैं, वन फर्स्ट ईयर का 0.909, सेकंड ईयर का 0.826 है शायद, थर्ड ईयर का 0.751 है, ठीक है। तो मैंने कहा था ये आपको एग्जाम में गिवन होंगे,
ठीक है, एनपीवी के लिए अगर आपको नहीं भी गिवन है तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हैं? अगर इसको कैलकुलेटर पे करना हो तो कैलकुलेटर पे हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इसका मेथड होता है 1/1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 10% है तो आप क्या करोगे, 1/1 प्लस 10%, या मैं इसको लिख सकता हूं 1/1.10, लिख सकता हूं 1 + 10% को 1.10। अब अगर इसको 1.10 कर से इसको ये डिवाइड करोगे ना तो आपके पास यही फिगर्स निकल के आएंगी। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये लो कैलकुलेटर लो, 1/1.1, लो जी पहली फिगर आ गई 9.909। इसको दोबारा से इक्वल टू करोगे 826 आ गया, तीसरी बार करोगे 751 आ गया, चौथे साल का 683 आ गया, फिर 621 आ गया, 564 आ गया। तो आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कैलकुलेटर से करना हो तो आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली, एग्जाम में अगर नहीं भी दिया गया तो कैलकुलेटर से डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस तरह से, एनुटी फैक्टर्स इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको जब आगे IRR वगैरह करेंगे वहाँ पे चार्ट रीडिंग भी सिखाऊंगा, चार्ट्स को भी रीड करना आपको आना चाहिए, वो भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, सब कुछ करेंगे उसके लिए हम लोग, ठीक है जी। तो इसके साथ अब क्या हुआ, इसके साथ मेरा जो NPV है वो कॉन्सेप्ट मेरा दैट इज़ ओवर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल बस्टिंग, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज IRR। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज IRR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग, राइट। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी एन ईमेल एट ksjteaching@gmail.com and you can visit the website. Guys, please go for the cost accounting notes, full course questions, everything is available, lot of things are available, theory questions are available. So all these things have been prepared for you people only, right? So I think it is the right time that you should take the benefit of these things, and you can connect with me on the Telegram app also, right? And you can make some voluntary payments also for the KSJ teaching if you think that we are making some difference to your study, we are contributing in somehow. So you can make the voluntary payments also on the website, the link is there, okay. So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.